नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिएटिव न्यूज एक्सप्रेस। विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में चीर बंधन के साथ होली महोत्सव का शुभारंभ हो गया। पूर्ण विधि विधान और रीति रिवाज के साथ होल्यारों और पुजारियों ने चीर बंधन कर होली गायन का क्रम शुरू किया। इस अवसर पर कैले बांधी हो चीर, हो सौ सीसी भर दे गुलाल, हो रे रसिया आज बिरज में आदि गीत होल्यारों और पंडितों द्वारा गाए गए। इस मौके पर सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार एकादशी पर्व के अवसर पर चीर बंधन कर होली का विधिवत आगाज किया गया। चीर को जागेश्वर मंदिर के अलावा हर दुकान और घर के सामने से घुमाया गया। इस चीर के डोले को विधिवत पूजित किया गया था। समस्त देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली ऐसा पर्व है जो प्रत्येक वर्ष हिंदू का सबसे विशेष त्यौहार माना गया है, जिसमें चीर यानी कि देवी का डोला बनाया जाता है और तीन ग्राम सभाओं में, जागेश्वर ग्राम सभा में इसको बारी बारी से घुमाया जाता है ढोल नगाड़ों के साथ, और काफ़ी इसमें पूरी जनता उत्साहित रहती है और नाच गाने के साथ और होली गायन के साथ इसको आरंभ किया जाता है और समापन किया जाता है। फाल्गुन माह की एकादशी से शुरू होने वाली होली गायन का यह क्रम जागेश्वर धाम सहित समूचे क्षेत्र में शुरू हो चुका है। उल्लेखनीय है कि जागेश्वर धाम में चीर बंधन की भी अलग और विशिष्ट परंपरा है। होलिकाष्टमी के दिन ही कुमाऊं में कहीं कहीं मंदिरों में चीर बंधन का प्रचलन है, पर जागेश्वर धाम में एकादशी को मुहूर्त देखकर चीर बंधन किया जाता है। इसके चलते गुरुवार को भी एकादशी का शुभ मुहूर्त देखते हुए जागेश्वर मंदिर के पुजारियों व क्षेत्र के नागरिकों ने चीर बंधन किया। इसके लिए गांव के प्रत्येक घर से एक एक नए कपड़े के रंग बिरंगे टुकड़े चीर के रूप में लंबे लट्ठे पर बांधे जाते हैं। आज जागेश्वर धाम में तीन ग्राम सभाओं को लेकर होली का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर जो है हमारे गांव की सबसे विशेष होली यहाँ पर होती है। चीर यहाँ पर बनाई जाती है, कई ग्राम सभाओं में यहाँ तीन ग्राम सभाओं में घुमाई जाती है उसको, और जगह जगह उसका पूजन करवाया जाता है, उसका स्वागत किया जाता है लोगों का, और इसमें काफ़ी उत्साहित लोगों में यहाँ पर है। करीबन 500 लोग यहाँ पर गाँव से इकट्ठे होकर चीर को जो आनंद ले रहे हैं, जिसका आयोजन किया जा रहा है। जैसे कि आपको ज्ञात है, जागेश्वर धाम में होली का विशेष महत्व रहता है। यहाँ पे एक माँ का डोला तैयार किया जाता है, जो चीर जिसे हम लोग कहते हैं, वो पूरे गांव में भ्रमण करके हर गांव में आशीर्वाद देता है। उसी के तहत तीन ग्राम सभाएं मिलकर इस चीज़ को यहाँ पे बड़े हर्षोल्लास से हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे इसको मनाते हैं। आप सभी लोगों का मेरा निवेदन है कि इस विशेष महत्व पे, इस होली अवसर पे जागेश्वर धाम में जरूर आएं, इस हमारी पौराणिक महत्व वाली चीर पे हमारा सहयोग दें। इस अवसर पर कैले बांधी चीर हो रघुनंदन राजा, सिद्धि को दाता गणपति, बांधी चीर हो जैसी होलियां गाई जाती हैं। इस होली में गणपति के साथ सभी देवी देवताओं के नाम लिए जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में विशेष तौर पर जो होली का आयोजन किया गया है, यह काफ़ी विशेष है। इसका विशेष महत्व रहता है। इसमें एक देवी का डोला, जिसको हम लोग लोकल भाषा में चीर कहते हैं, चीर को पूरे चार ग्राम सभाओं में प्रत्येक दिन आज से लेके अगले 5 दिनों तक लगातार घुमाया जाएगा, और काफ़ी उत्साह का माहौल है। इस अवसर पर जागेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति के प्रबंधक भगवान भट्ट, प्रधान पुजारी हेमंत भट्ट, कैलाश भट्ट सोनू, ज्येष्ठ प्रमुख योगेश भट्ट, गोपाल पंडा, मोहन भट्ट लाल बाबा, ग्राम प्रधान जागेश्वर राम प्रसाद, ग्राम प्रधान मंतोला नारद भट्ट, पूर्व प्रधान हरिमोहन, नवीन भट्ट, मुकेश भट्ट, नाथु भट्ट व गिरीश भट्ट आदि सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, और ऊपर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बगल में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी नई वीडियो मिले सबसे पहले। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं।